हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलआरएनआर क्लासेस। आज वीडियो लेसन रे आमे माने पढ़िबा क्लास 7 ज्योग्राफी रो चैप्टर नंबर 5 जहार नाम होची व्यावहारिक भूगोल। ताहले स्टूडेंट्स आमे माने विषयटा को तो पढ़िबा आउ ए विषय रो केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन विषय रे मध्ये जानिबा। ताहले ता पूर्वरु आमे माने प्रथमे जानिबा व्यावहारिक भूगोल कहाक कुहा जाय। मनीषर दैनंदिन कार्यकलाप प्रयोग करिबार पद्धति को ही कौन कहा जाए व्यवहारिक भूगोल बोली कहा जाए। ताहले मनीष निज दैनंदिन जीवन रे जो प्रयोग गुड़िक करथाय ताकु ही कौन कहा जाए से पद्धति गुड़ी को व्यवहारिक भूगोल बोली कहा जाए। से हीपरि नित्यदिन जीवन को पाणीपाग ही कौन करथाय ना नियंत्रण करथाय। आमर नित्यदिन जीवन को तुम्हें माने जानि परथो विभिन्न प्रकार कौन हुए ना पाणीपाग ही नियंत्रित करथाय। ताहले से गुड़िक होउची वायुर तापमात्रा, चाप ओ आद्रता, पवनर बेग ओ दिग, सेहिपरि वृष्टिपात ओ आकाशर अवस्था रु ही पाणीपाग ओ जलवायु विषय रे मध्य कौन हुए ना संपूर्ण तथ्य मिले बा आमे माने जानि पारु। पुणी तापमात्रा निरूपण, ताहले ए जो तापमात्रा गुड़िक निरूपण करिया पई कौन करा जाय ना विभिन्न प्रकारर यंत्र गुड़िक मध्य व्यवहार करि जे। ताहले केउ यंत्र केउथि पई व्यवहार करा जाय ताहा मध्य आमे माने बे पढ़िबा। ताहले स्फुटनांग कहाक कहा जाए तापमात्रा रे तुम्हें माने जेपरि जानिछ स्फुटनांग ओ हिमांक दुई प्रकार तापमात्रा मध्य रही थाए। सेहिपरि जेउं डिग्री तापमात्रा रे जल कण हुए ना बाष्प रे परिणत हुए ताकु कण कहा जाए स्फुटनांग कहा जाए। ओ जेउं डिग्री तापमात्रा रे जल बरफ रे परिणत हुए ताकु कण कहा जाए हिमांक बोली कहा जाए। हेला प्रथम कौन कहली मु जेउं डिग्री तापमात्रा रे जल बाष्प रे परिणत हुए ताकु कौन कहा जाए स्फुटनांग कहा जाए। और से ही भली जेउं डिग्री तापमात्रा रे जल बरफ रे परिणत हुए ताकु कौन कहा जाए हिमांक बोली कहा जाए। तेबे साधारणतः तीन प्रकार एकक द्वारा तापमात्रा मपा जाए। साधारण केते प्रकार एकक द्वारा तापमात्रा मपा जाए तीन प्रकार जहाँकि प्रथमटा होची कौन सेल्सियस, द्वितीयटा होची फारेनहाइट और तृतीयटा होची रियुमर। तो यही सब एकक द्वारा कौन करा जाए ना तापमात्रा गुड़िक मपा जाए। पुणी तापमान यंत्र रे हिमांक जदि 0 डिग्री सेल्सियस रु ओ स्फुटनांक केते ना 100 डिग्री सेल्सियस अटे ताहले कौन हुए ना तापमान यंत्र रे हिमांक केते डिग्री रुहे 0 डिग्री सेल्सियस ओ स्फुटनांक कौन रुहे 100 डिग्री सेल्सियस रुहे। ताहले स्टूडेंट्स तापमात्रा रेकर्ड करिया पई थर्मोग्राफ नामक एक यंत्र व्यवहार करा जाए। केउथि पई ये व्यवहार करा जाए ना तापमात्रा रेकर्ड करिया पई केउ यंत्र थर्मोग्राफ यंत्र व्यवहार करा जाए। से ही भली वायुचाप, ताहले वायुर चाप निर्णय करिया पई केउ यंत्र व्यवहार करा जाए बारोमीटर। हेला वायुर चाप निर्णय करिया पई से ही परि बारोमीटर नामक चापमान यंत्र व्यवहार करा जाए। ताहले वायुर चाप निर्णय करिया पई जो बारोमीटर नामक चापमान यंत्र व्यवहार करा जाए ताहा साधारणतः केते प्रकार ना दुई प्रकार। ताहले प्रथमटा होची पारद चापमान यंत्र और द्वितीयटा होची एनिरोइड चापमान यंत्र। ताहले सेहिपरि एनिमोमीटर, ताहले ए यंत्र कौन पई व्यवहार करा जाए पवनर बेग को मापिबा पई केउ यंत्र व्यवहार करा जाए एनिमोमीटर नामक यंत्र व्यवहार करा जाए। ताहले एही भली पवनर बेग, वायुचाप ओ आपेक्षिक आद्रता ए सब मापिबा पई विभिन्न प्रकार यंत्र मान व्यवहार करा जाए। ताहले हाइग्रोमीटर, एहा केउथि पई व्यवहार करा जाए आसे बे जानिबा। एहा दुई प्रकार रासायनिक हाइग्रोमीटर और वैद्युतिक हाइग्रोमीटर। ताहले एही जो यंत्र कौन पई व्यवहार करा जाए आपेक्षिक आद्रता मापिबा पई एही यंत्र को व्यवहार करा जाए। केउ यंत्र ना हाइग्रोमीटर जहाँकि केते प्रकार मु कहली दुई प्रकार गोटे हूँ रासायनिक हाइग्रोमीटर और द्वितीयटा हूँ कौन ना वैद्युतिक हाइग्रोमीटर। पुणी वृष्टिर परिमाण, ताहले स्टूडेंट्स वृष्टिर परिमाण मापिबा पई मध्य गोटे यंत्र व्यवहार करा जाए जहार ना हूँ कौन वृष्टिमापक यंत्र। ओ एही यंत्रटी 12.5 सेंटीमीटर रु 20 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट एक तंबा सिलिंडर। ताहले स्टूडेंट्स आम मैंने जानिले क्यों यंत्र साहाज्य रे कौन मपा जाए से सब विषय में पढ़िले। ताहले एबे आम मैंने जानिबा पाणीपाग भावी सूचना कहा को कहा जाए बा पाग भावी सूचना कहा को कहा जाए। से परी देख एठी निकट ओ अतीत ओ वर्तमान रो पाग अवस्था को कौन करा जाए ना विश्लेषण करी भविष्यत दिने दुई दिन रो पाग रो जे पूर्वानुमान करा जाए ताहा को ही कौन कहा जाए पाग भावी सूचना बोली कहा जाए। ताहले सही परी पाग भावी सूचना मध्य केते प्रकार रो तीन प्रकार रो।
ता भितर प्रथमटा हूँ कौन ना वर्तमानिक दैनिक पाग भावी सूचना पुणी द्वितीयटा कौन स्वल्पकालीन पाग भावी सूचना तृतीयटा हूँ दीर्घकालीन पाग भावी सूचना ताहले एहा मध्य केते प्रकारर ना तीन प्रकारर सही भले पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक पहाड़ पर्वत मालभूमि समतल भूमि उपत्यका विस्तृत समुद्र सज्जा भली अनेक भूमि रूप मध्ये रहिछि तुम्हें माने स्टूडेंट्स जेमती जानिछो पृथ्वी पृष्ठ रे एही परी विभिन्न प्रकारर भूमि रूप रहिछि केउ जगह मध्य अन्य जगह सहित कोण ना समान नुह बा समतल भाबे नाही ताहले एहार रंग रूप सब कोण ना अलगा अलगा ताहले एही सब भूमि रूप मध्यरु पहाड़ और पर्वत निकटवर्ती समप्राय भूमि 300 मीटर उच्चरे थिबा भूमि रूप को ही कौन कहा जाए पहाड़ बा पर्वत कहा जाए सही भली मालभूमि कहा को कहा जाए समुद्र पतनरु बहु उच्चरे थिबा विस्तृत समप्राय भूमि को कौन कहा जाए मालभूमि बोली कहा जाए मालभूमि कहा को कहा जाए स्टूडेंट्स समुद्र पतन ठारु बहु उच्चरे थिबा विस्तृत समप्राय भूमि को कौन कहा जाए मालभूमि कहा जाए और सही परी उपत्यका पुणी उपत्यका कहा को कहा जाए ताहले दुईटी पाखापाखी उच्चभूमि मध्यवर्ती और निम्न भूमि गुड़ी को कौन कहा जाए उपत्यका बोली कहा जाए ताहले भूमि रूप मानक विषय तो आम मैंने किछ ना किछ जानिले ताहले एबे जानिबा समोच्च रेखा कहाको कहा जाए सही भली समुद्र पतनर उच्चतारे थिबा स्थान गुड़िकर मानचित्र रे जोग करथवा रेखा को ही कौन कहा जाए समोच्च रेखा कहा जाए समोच्च रेखा कहाको कहा जाए समुद्र पतनर उच्चतारे थिबा स्थान गुड़िक मानचित्र जोग करुथुबा रेखा को ही कौन कहा जाए समोच्च रेखा बोली कहा जाए पुणी सही भली रंग परस्तीकरण ताहले रंग परस्तीकरण कौन स्टूडेंट्स रंगर घनत्वरे ह्रास वृद्धि द्वारा विभिन्न भूमि रूप प्रदर्शन पद्धति को ही कौन कहा जाए रंग परस्तीकरण मानचित्र रे कौन करा जाए विभिन्न जगार भूमि रूप को विभिन्न विभिन्न रंग में सूचा जाए ताहले सही रंगर घनतारे ह्रास वृद्धि द्वारा विभिन्न भूमि रूप प्रदर्शन पद्धति को ही कौन कहा जाए रंग परस्तीकरण बोली कहा जाए ताहले स्टूडेंट्स आम मैंने तो व्यवहारिक भूगोल रे कौन किपर व्यवहार करा जाए केउं यंत्र केउं व्यवहार करा जाए समस्त विषय जानिले ओ पढ़िले मु भावुची तुम्हें माने ए विषयटा को पूरा भल भाव बुझी सारिथिबो ताहले ए विषय रु केतरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें माने घरे प्रैक्टिस करिया पई मु कहि दउची तो ताकू तुम्हें माने एबे नोट डाउन कर आउ तुम्हारा काम है तुम्हें माने वीडियो रु जहाँ भी पढ़िल ताकू देखिकी तार आंसर सॉल्व कर ताहले प्रथम क्वेश्चन होची तुम मानक पई व्यवहारिक भूगोल कहाकू कुहा जाए व्यवहारिक भूगोल कहाकू कुहा जाए पुणी समोच्च रेखा कौन ताहले आमे माने समोच्च रेखा विषय तो पढ़िले ताहले मु भावुची तुम मानक तार भी आंसर आसुथुबो समोच्च रेखा कौन एबे पार्थक्य दर्शाओ ताहले हाइग्रोमीटर और आनिमोमीटर भितर पार्थक्य दर्शाओ तुम्हें माने तो जान लो यही यंत्र गुड़िक क्यों व्यवहार करा जाए ताहले तार मध्य आंसर तुम्हें माने घरे प्रैक्टिस करो आउ ताकु छाड़ देले ए वीडियो रे जहाँ भी आम मैंने पढ़िले तार सेपरेट नोट्स एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज रो क्वेश्चन आंसर एलआरएनआर आप रे अपलोड अच्छी तो तुम्हें माने एलआरएनआर रो लिंक को डिस्क्रिप्शन रु डाउनलोड करो आउ घरे बसिकी यही सब एमसीक्यू आउ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो जदि भी किसी न बुझीपार मत कमेंट सेक्शन में जना मु नेक्स्ट वीडियो रे ताकु सॉल्व करिबी।